नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा जो कि दिसंबर में संभावित है, उसको देने के लिए तैयार बैठे टेट पास अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि दोस्तों, जैसा कि हमने भी अपने पूर्व वीडियो में आपको इस बारे में जानकारी दी है कि SERT ने परीक्षा के प्रारूप व पाठ्यक्रम के बारे में सलाह मांगा था डाइट से। डाइट ने अपना सलाह दिया है। डाइट का यह सलाह है कि चूंकि परीक्षा 2.5 घंटे की है और OMR सीट पर होनी है, अतः इसमें लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को शामिल न किया जाए, सिर्फ बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी प्रश्न ही रखे जाएं। उसने एक कारण इसका यह भी बताया है, चूंकि OMR सीट पर देना है परीक्षा, और दूसरे वस्तुनिष्ठता और शुचिता प्रभावित हो जाएगी परीक्षा की, क्योंकि बड़े प्रश्नों में शुचिता प्रभावित होने के खतरे ज्यादा रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी एक खबर ये भी है कि ये परीक्षा चूंकि दिसंबर मध्य के बाद ही इसके प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बाद ही ये शुरू होगी। और दूसरे 30 नवंबर तक आपका रिजल्ट आ रहा है टेट का, टेट 2017 का, तो उसके बाद ही यह संभव है, यानी कि कुल मिलाकर जनवरी तक हो पाने की संभावना है। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा उत्साह बना रहे, आपको बराबर लिखित परीक्षा के लिए वीडियो सभी शिक्षण सामग्री के साथ उपलब्ध मिलेगी, ताकि आप आसानी से कैसे अच्छे नंबर पाएं, इसके लिए हम बराबर आपको वीडियो देते रहेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, अगले वीडियो तक।